आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी नमस्कार, मैं सुरेश चिपलूनकर बोल रहा हूँ उज्जैन से। बोलिए। हम लोग हिंदू राष्ट्रवाद पर बात करना चाह रहे हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्रवाद कोई आसमान से उतरी हुई धारणा नहीं है या किसी दूसरे ग्रह से उतरी हुई धारणा नहीं है। हिंदू राष्ट्रवाद तो भारत के जन जन के अंदर बसा हुआ है। हिंदू राष्ट्रवाद बिल्कुल, शायद कॉल कट गया, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, देखिए। भारतवासियों को हिंदू राष्ट्रवाद की सही परिभाषा नहीं पता चल पाएगी। देश में कई ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व को सांप्रदायिक बताकर भारतवासियों को आपस में बांटते रहे हैं। इनका मकसद भी अंग्रेजों की तरह ही है, फूट डालो और राज करो। ऐसे ही लोगों की वजह से देशवासियों का हिंदुत्व का सही सार नहीं पता चल पा रहा। देश की संप्रभुता को खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदुत्व ही देश की संप्रभुता और प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने की ताकत देता है। इसी ताकत के बल पर अंग्रेजी राज को भारत से जाना पड़ा। आज हिंदुत्व ही भारत के चहुमुखी विकास का द्योतक है। दुनिया में भारत को पहचान नहीं मिलेगी। कोई हमें भारत के नाम से जानता है तो कोई इंडियन के नाम से, और कोई हिंदुस्तानी बोलता है। अभी तक हम अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारी पहचान दुनिया के सामने बननी मुश्किल हो जाएगी। देश में सनातन संस्कृति कमजोर पड़ जाएगी। हिंदुत्व हमारी आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति का परिचायक है। अगर हिंदुत्व की दीवारें ही कमजोर हो जाएंगी, जिन्हें कमजोर करने की साजिश हर ओर से हो रही है, तो फिर ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा हमारी सनातन संस्कृति का। भारत की उन्नति रुक जाएगी। हिंदुत्व भारत की सर्वोन्मुखी उन्नति का द्योतक है। हिंदुत्व के दम पर ही भारत ने आज तक दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखी है। हिंदू राष्ट्रवाद की यही विचारधारा भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो, क्या कहना है आपको? दो क्रॉस कनेक्शन दो आ रहे हैं। हेलो। हाँ आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ सर, मैं राजू थापा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ हाँ नमस्कार जी, जय हिंद सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ऐसा है हमारे देश की सरकार जाकिर नायक और कबीर ओवैसी जैसे लोग देवी देवताओं को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, उनके लिए कोई नेता आगे नहीं बोलता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं हिंदू राष्ट्रवाद हूँ, उस पर इतना बवाल मचा दिया, क्योंकि ये हल्ला मचाने का मतलब है हमें जनताओं को कंफ्यूज करना। जो इन्होंने अपना जितना भी साजिश कर रखा है, घोटाला कर रखा है, उन पे जनता का जो है ना डिवाइड करना है ध्यान को, ठीक है। कभी KYC के लिए आधार कार्ड, कभी कहीं जनता को इन्होंने बदल कर रखा है वैसे ही, ठीक है। बस अब तो रही सही जो थोड़ा वो ध्यान लगा रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी से ध्यान हटाना चाहते हैं, ताकि उसके लिए भी हमारे मन में उसके खिलाफ मतलब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी। हाँ। इस हिंदू राष्ट्रवाद पर आपत्ति का अभी तक तो ये कारण लगता था कि ये मात्र वोट बैंक की राजनीति है। हाँ। पर अभी धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगा है कि इससे भी आगे की कोई योजना है। कई बातें अगर हम ध्यान से देखें तो कई नेता हमारे ऐसे हैं जो कि दिखने में तो हिंदू हैं पर असल में वो किसी और संप्रदाय में परिवर्तित हो गए हैं। और अगर हम ये इस बात पर ध्यान दें कि हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो अपने आप में भारतीय राष्ट्रवाद ही होता है, क्योंकि अगर हम वैदिक धर्म की तरफ जाएं तो वेदों के द्वारा बताया गया धर्म ही सबके लिए धर्म है, धर्म सबका एक है। ये तो समय के साथ चूंकि संप्रदाय नए नए आते गए, कुछ लोगों के द्वारा शुरू किए गए संप्रदाय जब प्रचलित हुए तो उसका कुछ लोगों ने पालन शुरू कर दिया, पर भारतवर्ष में चूंकि हिंदू बहुल है इसलिए हिंदू राष्ट्रवाद ही भारतीय राष्ट्रवाद है, और इसीलिए इस पर आपत्ति करने वाले लोग सच्चे राष्ट्रभक्त बिल्कुल नहीं हो सकते। और हमें आज जरूरत है अपने सही इतिहास को जानने की और वापस अपने पुराने साथियों को वापस लाने की जो दूसरे संप्रदाय में चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, नरेश सिंह चौहान बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ केवल के इतना ना सोना वीरो बिस्तर कवर बन जाए, अपना हिमालय कल को उधर को हो जाए, अंगना की लाज है तो घर के रखवाले जागो, भारत के प्यारे जागो थोड़े सितारे जागो, परम पवित्र भगवत ध्वज हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुत्व होना
और हिंदुत्व को छुपाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है कि हिंदुत्व को छुपाना। जो लोग हिंदुत्व को छुपा रहे हैं वो लगभग अपनी मातृभूमि को छुपा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंडिया इंडिया नहीं, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान होना चाहिए, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बस मोदी ने बोल दिया तो इतना बवाल है। अगर इंडिया, अब तो इंडिया और भारत हटा के केवल हिंदुस्तान कहो कहेंगे तो ना जाने क्या क्या होगा। अगले, आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान ही चाहिए। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं, क्या उपाय है देखिए। हिंदुत्व की गलत व्याख्या न की जाए। कई लोग वोट बैंक के लिए हिंदुत्व की गलत व्याख्या करके भारतीय समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व को ये लोग सांप्रदायिक बताकर देश विरोधी बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों को हिंदुत्व के बारे में गलत धारणा फैलाकर सत्ता का स्वाद चखने को मिल रहा है। राष्ट्रवादी आगे आकर हिंदू राष्ट्रवाद की सही परिभाषा बताएं। जिस तरह से हिंदू राष्ट्रवाद की संस्कृति नहीं अंग्रेजों को भारत से जाने को मजबूर किया, आज फिर से उसी संस्कृति को समाज में फैलाने की जरूरत है, जिसे भारत को फिर से संप्रभु राष्ट्र बनाया जा सके। नेता हिंदू राष्ट्रवाद पर चलकर भारत को विकास के पथ पर ले जाएं। जब तक हमारे नेताओं में हिंदू राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक वो भारतीय संस्कृति और इस संस्कृति की विभिन्नता को नहीं समझते, तब तक भारत को विकास के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता और न ही सर्वांगीण भारत का विकास हो सकता है। भारतीय संस्कृति की पहचान को कम ना होने दें। जब तक प्राचीन सनातन संस्कृति है, तब तक भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए रखेगा। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते अपनी संस्कृति को भूल गए तो दुनिया भी हमारी पहचान भूल जाएगी। अगले कॉलर। जहिन। हाँ जी, मैं इस विषय के बारे में ये कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से सुशील उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ। और आपने जो ये पीछे वीटी चलाया है, जो जिसमें वीर सावरकर जी, विवेकानंद जी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ मोदी, गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जाए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ सर, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी, जब वो स्पीच हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि हाँ, हमारे देश में कोई बोलने वाला व्यक्ति है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो वो दिल से बोलते हैं, वो कोई कागज आगे रख के नहीं बोलते। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले और पता नहीं कहाँ कहाँ से योजनाओं के बारे में बताते हैं या कुछ आगे क्या करेंगे उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन उनसे अगर कह दिया जाए कि वो पेपर साइड में रख के कुछ दो शब्द बोल दें तो वो नहीं बोल सकते। हम सिखों का सम्मान करते हैं, शहीद भगत सिंह जो थे उन पर हमें पूरा गर्व है, लेकिन इस तरीके के लोग जो एक पेज के बगैर भी कुछ नहीं बोल सकते सर, ऐसे लोगों को कोई। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए बोलिए। सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपत्ति है वो केवल सरकार को है, वो जनता को नहीं है, क्योंकि मोदी जी देश के भावी प्रधानमंत्री है और वो पीएम बनने और वो अगर वो पीएम बन गए तो उन सबकी खटिया खड़ी कर देंगे, और इसलिए आपत्ति देश को नहीं बल्कि इस डरपोक सरकार को है। धन्यवाद। मोदी से आपत्ति हो सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, राजनीतिक व्यवस्था है, दूसरा दल का व्यक्ति, उस दल का मुखिया या उस दल का नेता सत्ता में ना आए, हमारे दल की सत्ता रहे, दूसरा दल सत्ता में ना आए, ये सारी चीजें राजनीतिक क्षेत्र में चल भी सकती है, बल्कि इसका स्वतंत्र है, आजादी है, ये घटनात्मक उनका अधिकार है, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए एक लाखों साल की परंपरा का नकारने का अधिकार किसी को नहीं है। और एक ऐसी जीवन पद्धति जिसने दुनिया में कभी साम्राज्यवाद फैलाने के लिए तलवार हाथ में नहीं ली, बल्कि दुनिया को राह दिखाने के लिए विचार हाथ में लिए, ऐसे संस्कृति को आप नहीं नकार सकते, ऐसे जीवन शैली को आप नहीं नकार सकते। ऐसा कर आप ना केवल उस संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, बल्कि आने वाले करोड़ों लोगों को एक ऐसी चीज से दूर करने जा रहे हैं जो उनके लिए संजीवनी साबित हो सकती है, जो उनके लिए अमृत साबित हो सकता है, जो उनके लिए एक आस साबित हो सकती है। भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र की गलतियां राजनीतिक नुकसान करती है, फाइनेंशियल क्षेत्र की, आर्थिक क्षेत्र की नुकसान करने वाली गलतियां वहां तक सीमित रहती है, लेकिन सांस्कृतिक नुकसान जो होता है वो बहुत चिरकाल परिणाम करता है, लंबे समय तक परिणाम करता है। इसलिए राजनीतिक गलती के साथ हम सांस्कृतिक गलती को ना करें, धार्मिक गलती को ना करें, भावनाओं के गलती को ना करें, हम असली सच्चाई समझे और उसी के साथ आगे बढ़े, यही हम आज बिंदास से आपको संदेश देना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि हिंदुत्व की यह व्याख्या
किसी के मन में अगर गलती से आई है तो आप सावरकर को पढ़िए। हमने आज प्रयास किया कि आपको इस देश के तमाम लोगों ने हिंदुत्व की क्या सही व्याख्या की है वो समझाने की, लेकिन एक घंटे के कार्यक्रम में आपके अभिव्यक्ति के साथ इसको आगे लेकर जाना संभव नहीं है। जितना हो सका हमने आपके सामने रखा है ये मुद्दा, ये कार्यक्रम आपको sudarshan.news.com साइट पर अवेलेबल रहेगा, आप इसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कई लोगों ने इस कार्यक्रम की सीडी मांगी है, वो यूट्यूब से डाउनलोड कर भी इसको बांट सकते हैं। हम हमारे किसी कंटेंट पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं छोड़ते, हम कहते कि ये राष्ट्र की संपत्ति है और आप इसका कहीं पर भी किसी भी काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये सुदर्शन आपका चैनल है, इस देश का चैनल है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।